अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम निकले थे एक शूट पे, छोटी सी शूट है, कोई एक मिनट की वीडियो हमने बनानी है और बहुत सख्त किस्म की मेहनत कर रहे हैं। शराफत भाई को एज एन मॉडल मैं जो है ना वो लेके चल रहा हूँ, लॉन्च नहीं करने जा रहा बल्कि इनको रीलॉन्च करने जा रहा हूँ, रीलॉन्च कह सकते हैं। लेकिन ये है कि कुछ नई डील्स आई हैं, उस हवाले से हमने कहा यार अपने वीडियोस का जो तरीकाकार है वो बदलें। आप लोग पसंद करते हैं शॉर्ट वीडियोस और इस टाइप की वीडियोस जिसमें लेक्चर्स नहीं होते लंबे लंबे, बल्कि थोड़ा सा एक्ट किया जाता है, थोड़ा सा वो कहते हैं ना एक्शन मूवीज के कुछ चीजें होती हैं, कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ इस टाइप की इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सो फ्यूचर के अंदर हम बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आएंगे, वो चीजें लेके आएंगे जो आप लोग पसंद करते हैं। सो फेस टू के अंदर हम मौजूद हैं इस वक्त और शराफत भाई मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा फील हो रहा है शराफत भाई आज? मेरे साथ कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील होना शुरू हो गया है क्योंकि जब आए थे तो आप कर रहे थे, अब आप एक्टिव होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप एक्टिव होते जा रहे हैं तो अब मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी और मजेदार चीज बन जाएगी। अच्छा, मुझे मेरे जहन में एक थीम था, मैंने इनसे शेयर किया था कुछ दिन पहले, लेकिन उसको शुरू कहाँ से करना है, उसकी चीज़ें क्या करनी है समझ नहीं आ रही थी और ये बड़ा फोर्स कर रहे थे और मैं इनकारी था। खैर मैंने आज एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू कर दिए, मैंने कहा यार, और जिस तरह एक खावत अपनी बीवी से पूछता है ना कि क्या पकाया, तो उसने कहा कि पकाने दो बाद में नाम रख लेंगे, तो उस टाइप की ये चीज है। शूट हम करते जा रहे हैं, खावंत कौन है? मैंने इनसे पूछा था कि आप बना रहे हो? नहीं नहीं, खावंत चले जी, मैं बीवी हूँ, लेकिन चीजें मेरे तो ये भाई हैं, वो खुद ये बीवी बनना चाहे तो इनकी मर्जी है, लेकिन अल्लाह बचाए ऐसी बीवी से। लेकिन इसमें एक चीज है कि हम बना लेंगे, कुछ शूट्स कर लेंगे, देन उसमें से जो पॉइंट इम्पोर्टेंट होंगे, स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट शूट हो चुके होंगे, वो आप लोगों के लिए हम यार प्रॉपर्टी की वीडियो बनानी ना शेख साहब, प्रॉपर्टी के हवाले से ही वीडियोस बनानी है, लेकिन वो बताएं तो सही ना यार, प्रॉपर्टी की बना रहे हैं कोई नई चीजें, कोई नहीं वो अभी नहीं बताएंगे ना, जैसे कोई मूवी लॉन्च होती है ना तो उस मूवी से पहले उसको पता नहीं केड़े पासे ने टोर गए भाई, हमसे यही बड़ी मुश्किलें बनती हैं। नहीं नहीं, प्रॉपर्टीज के हवाले से भाई, हम बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम तो यूट्यूबर भी नहीं कहते अपने आप को, क्योंकि बिजनेसमैन है, बिजनेस सीख रहे हैं, मैं तो स्टूडेंट हूँ एंड ही इज एक्सपर्ट बिजनेसमैन एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम और हमेशा इनसे सीखता हूँ, तो दैट्स द थिंग। अल्लाह अकबर ये कह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि ही इज सुपर इंटेलिजेंट इन बिजनेस, जो रियल इस्टेट की बिजनेसिंग है उस हवाले से तो मैं इनसे सीखता हूँ बहुत ज़्यादा। और मौसम बहुत कमाल का है, रोमांटिक है, यू कैन सी द घर, देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत घर मौजूद हैं, एलीट एवर टाइप कम्युनिटीज यहाँ पे रह रही हैं और बड़े खूबसूरत घर हैं। सो शराफत भाई, आज डील्स के हवाले से बात ना करें सर, आज उसी वीडियो में करेंगे डील की बात इंशाल्लाह। तो आप ये इसको थोड़ा सा वाइंड अप करें ताकि हम उस तरफ चलें जो बनाना, जिससे आप बचना चाह रहे हैं ना, वो इंशाल्लाह आज बना के जाना है। हाँ इंशाल्लाह, आपकी जो ना वो शाम की कढ़ाई पक्की है अब ये देख लेना लोहे की खानी है कौन सी खानी है। मैं वैसे परहेज पे हूँ आज कल, चले हमारे पास दाल भी है, खुद हम दाल और पसंद करने वाले हैं, वो भी परहेजी सिस्टम है, लेकिन मैं ग्रीन टी पीऊंगा आपसे, आपको ग्रीन टी। सो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मूव करें वाइंड अप की तरफ, जाने से पहले कुछ घर दिखाते हैं हम, ये ओ ब्लॉक के अंदर जो खूबसूरत घर बन रहे हैं, That's impressive. वो सामने आप देख सकते हैं वो फॉर सेल हैं, मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर, और ये खूबसूरत सा स्पॉट आप देख सकते हैं, इसके ऊपर रहमान स्पॉट इसको कहते हैं, गार्डन लिखा हुआ है यार, ये भी दिखाएं, ये मैंने रिसेंट 1200 रुपए का लगवाया है। नहीं जी, इनकी डील हुई थी उसमें 1200 रुपए बचा था और इन्होंने लगवाया, और ये कपास का फूल भी आपको नजर आ रहा है, आई लव इट। सो अच्छा, मुझे खतरा है आप मवेशियों का काम करते हैं, कहीं वो भी ना एक दिन रख रहे हैं डिक्की के अंदर। नहीं, तो ये कुछ नए एरियाज हैं, वो सामने आप देख सकते हैं पी ब्लॉक जहाँ पे केएफसी वगैरह भी आ रहा है, और ये घर हैं जी, ये घर फॉर सेल हैं कुछ इनमें से, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा तेजी से मूव करेंगे शरावत भाई। सो ये घर हैं,
और यू कैन सी द हाउसेस, ब्यूटी ऑफ द हाउसेस, ये देखें कितना खूबसूरत घर है और ये फॉर सेल है। और एक और घर आपको दिखाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये घर आप देख सकते हैं, ब्यूटी ऑफ द हाउसेस आप देखिए और उनकी खूबसूरती को देखिए। हाँ सो अच्छा शराफत भाई, एक चीज बड़ी मुझसे पूछी जाती है, मैं वो पंजाबी में कहते ना केस मार जाना, कि यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रैफिक नहीं है फेस टू के अंदर, लोग कहते हैं यार को बसेस चलाएं यार, चंगा जान छोटी पोल्यूशन नहीं है। हाँ ये बात है यार, अब ना वो थोड़ी बहुत मिल जाती है, अब ऑटो रिक्शा वगैरह भी, हाँ ये ओवर क्रीम मिल जाती है, लेकिन यार आप ईवीज लें, माहौल दोस्त हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक्स लें, छोटे बच्चों को भी लेके दें, इवन के लेडीज भी कंफर्टेबल वो चला सकती हैं, वो इतनी महंगी भी नहीं होती है, आप चार्ज करें, कोई पेट्रोल नहीं डलवाना, कुछ भी नहीं डलवाना। सो रहमान गार्डन फेज टू के अंदर आप में से कोई भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या हमारे साथ अटैच होना चाहते हैं, हमारे ऑफिसेज में विजिट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेज 7 के अंदर भी अगर आप आना चाहते हैं, जो इनका मोस्ट एवर, मैं उसे दुल्हा प्रोजेक्ट कहता हूं, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के एंगल से दुल्हन उसके साथ वाली सोसाइटी है। अल्लाह हू अकबर यार, वो ऐसे नहीं चलो सर, दुल्हा कर ले, दोनों दुल्हे ठीक है, दोनों दुल्हन कहीं और से ढूंढ ले। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, कीप स्माइलिंग।